सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेपर साइज कैसे बदलते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पेपर साइज बदलने के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में लेआउट टैब पे। ये देखिए, ये रहा लेआउट टैब। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऑप्शन मिलता है साइज का। ठीक है, स्केल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ साइज आपको दी गई है जो कॉमनली इस्तेमाल होती है। जैसे मान लीजिए कि लेटर हो गया, लीगल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, A4, A3, A5। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई साइज आपकी मैचिंग की नहीं है तो आप मोर पेपर साइज पे जा सकते हैं और अपने हिसाब से साइजेस जो है उसकी पेज की कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं, एक छोटा सा विंडो देखिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज सेटअप है। यहाँ पर आप ये बीच वाला ऑप्शन यानी कि पेपर सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विड्थ है और ये हाइट है। अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से सेट करने के बाद नीचे से आप जैसे यहाँ ओके पे बटन क्लिक करेंगे तो आपकी पेपर साइज वैसी ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेपर साइज बदलते हैं या अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।